हे गाइस, दिस इज शुभम शर्मा एंड यू आर वाचिंग ऑल इन वन शुभम। तो आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे ऑलिव ऑयल के बारे में, और मैं आप लोगों को ऑलिव ऑयल के बारे में सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस, ऑलिव ऑयल, हिंदी में हम इसे जैतून का तेल भी कहते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ऑलिव ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑयल इन द वर्ल्ड। और बहुत बेसिक सा ये वीडियो बनाऊंगा, मतलब बेसिक जानकारी दूंगा इसमें, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं ले जाऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो बेसिकली दो तरह के ऑलिव ऑयल होते हैं, कलर कॉम्प्लेक्शन के बात करें तो एक लाइट होता है और एक डार्क होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं लाइट ऑलिव ऑयल की। तो लाइट ऑलिव ऑयल हम देख के पहचान सकते हैं क्योंकि ये कलर में बहुत ज़्यादा लाइट होता है, और लाइट ऑलिव ऑयल को हम प्योर ऑलिव ऑयल भी कहते हैं। तो और इसमें खास बात ये रहती है कि जो लाइट ऑलिव ऑयल रहता है उसका जो हीटिंग कैपेसिटी है वो एज कम्पेयर टू डार्क वाला थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब हम इसे हीट कर सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हम इसे कुकिंग पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी इसमें पका सकते हैं, वेज नॉन वेज दोनों खाना पक जाएगा इसमें, और बहुत हेल्दी भी रहता है। तो अब बात कर लेते हैं डार्क ऑलिव ऑयल की। तो डार्क ऑलिव ऑयल एज कम्पेयर टू लाइट ऑलिव ऑयल थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन, कलर कॉम्प्लेक्शन इसका डार्क रहता है, और जो इसकी हीट कैपेसिटी रहती है एज कम्पेयर टू लाइट, इसका बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी कम रहता है। यानी कहने का मतलब हम इसे कुकिंग में यूज़ नहीं कर सकते, हम इसे फ्लेम में नहीं पका सकते हैं। तो अब इसका अब आप लोग जानेंगे कि अब इसका यूज़ क्या होता है। तो हम इस पे ऐसे कंज्यूम करने में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम सैलेड है, तो सैलेड पे हम टॉपिंग डाल के इसके ऊपर से डालना है, मतलब पकाना नहीं है, तो सैलेड के ऊपर टॉपिंग करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हो गई डार्क और लाइट के बारे में। सो गाइस, ऑलिव ऑयल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और बहुत सारे जो हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं उन्हें भी ये सॉल्व करता है, जैसे जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करता है, जिन्हें डायबिटीज़ होती है, जो डिप्रेशन, जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरते हैं या डिप्रेस रहते हैं उनका भी प्रॉब्लम ये सॉल्व करती है। अब कैसे करती है मैं ये बताता हूँ कि जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात कर ले, तो ये जो अपना ऑलिव ऑयल रहता है वो गुड सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल रहता है। मतलब यहाँ पर मैं गुड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा था। तो जब आप इसे कंज्यूम करना चालू करते हैं तो जो अपना बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है बॉडी का वो रिड्यूस होता है, जिसके कारण हम हेल्दी रह सकते हैं। और जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जो तो हार्ट की प्रॉब्लम बेसिकली जैसे कि अपना हार्ट की प्रॉब्लम, जो आर्टरीज रहती है हमारे हार्ट की वो ब्लॉक हो जाती है। तो हमारे हार्ट की जो आर्टरीज रहती है, मतलब जो खून गाढ़ा के कारण जो ब्लॉक हो जाता है, तो हम जब ऑलिव ऑयल कंज्यूम करते हैं तो हमारा खून मतलब नॉर्मल, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आता है, जिसके कारण हमारी जो ब्लॉक्ड आर्टरीज रहती है वो भी खुल जाती है। गाइज, मैं आप लोगों को ऑलिव ऑयल के बारे में एक फैक्ट बता दूं, और ये मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूव है। ये कहा गया कि जो नॉर्मल वेव रहती है वाटर की, जो वेव रहती है नॉर्मल वेव, और अगर वेव आ रहा है और अगर हम उसके सामने 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल गिरा दिए पानी में, तो जो हाफ एकड़ तक का जो एरिया है उस वेव का, तो सोचिए वो वेव को रोक देता है हाफ एकड़ तक के एरिया को। तो सोचिए 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल इतना अच्छा, जो वेव भी क्योंकि एक तरह का ब्लॉकेज है, वो ब्लॉक्ड होकर वाटर आते रहता है, तो जब उसको रोक देता है तो सोचिए कितना ज्यादा अच्छा और कितना कारगर साबित हो चुका है ऑलिव ऑयल। तो हमारे जो आर्टरीज में जो ब्लड ब्लॉकेज रहता है तो उसको तो आराम से खोल देता है, तो इसलिए हमारे लिए ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा चीज है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम ऑलिव ऑयल को यूज़ कैसे करें। तो हम जैसे कि मैं लाइट ऑलिव ऑयल की बात कर लूँ या फिर प्योर ऑलिव ऑयल जिसे हम कहते हैं उसकी बात कर लूँ, तो इसे हम जब कुकिंग में यूज़ करते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सिर्फ ऑलिव ऑयल नहीं, आप कोई भी ऑयल से अगर मतलब खाना बनाते हैं तो उस ऑयल को हम ज़्यादा देर तक फ्लेम में पकाना नहीं चाहिए, या फिर हाई फ्लेम में नहीं पकाना चाहिए। खासकर ऑलिव ऑयल की बात कर ले तो ऑलिव ऑयल को तो गाइस बिल्कुल भी हाई फ्लेम में नहीं पकाना चाहिए, उससे होता ही है कि जो ऑलिव ऑयल की प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है, तो फिर वो आपको उतना फायदा नहीं करेगा जितना करना चाहिए। इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम में यूज करिए और पकाइए। और ये अगर मैं खाने की भी बात करूँ तो हम जो भी खाना बनाते हैं उसे मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि उसे एक मीडियम फ्लेम में ही पकाइए। ऐसा होता है जब हम हाई फ्लेम में खाना पकाते हैं, सोचिए कुछ भी हम वेजिटेबल पका रहे हैं या जो भी, तो अगर हम उसे जब हाई फ्लेम में पकाते हैं तो वो होता क्या, जो उसके मतलब जो अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं वो अपना हो जाता है ट्रांसफैट में कन्वर्ट। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि ट्रांसफैट हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए हमें कुछ भी खाना हो, खासकर ऑलिव ऑयल को, तो हमें मीडियम फ्लेम में यूज़ करना चाहिए, और जो भी आप डेली यूज़ में भी जो आप डेली में खाना पकाते हैं घर में उसे भी हमें मीडियम फ्लेम में ही पकाना चाहिए। तो मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने डेली यूज़ में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करिए, जो आप डेली खाना पकाते हैं या फिर जो खाना कंज्यूम करते हैं उसमें ऑलिव ऑयल का यूज़ करिए। और मैं ये वीडियो कोई जिम फ्रिक्स के लिए या फिर जो फिटनेस मतलब जो अलग जो कुछ स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व है उनके लिए सिर्फ नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो नॉर्मल आदमी के लिए, क्योंकि मैं ये जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो नॉर्मल आदमी को भी कर रहा हूँ। जो नॉर्मल वर्कआउट नहीं करे, जरूरी नहीं कि आप वर्कआउट करें तो ही ऑलिव ऑयल को ऐड करें, नॉर्मल बता रहा हूँ, आप नॉर्मल घर में इसे यूज करना चालू करें, क्योंकि आज के डेट में दोस्त फिट कौन नहीं रहना चाहता है। तो जब आप ऑलिव ऑयल कंज्यूम करेंगे तो आपके सबसे पहले तो आजकल इंसान बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर यही सब बीमारी से गुजर रहा है, तो ये सब बीमारी जब चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे तो इंसान अपने आप फिट रह जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने मील में, अपने डाइट में ऑलिव ऑयल को जरूर यूज करें। और ऐसे लोग जो लोग मतलब सस्ते ऑयल, या फिर सस्ते नहीं कह लीजिए, और भी जो ऑयल यूज कर रहे हैं, मैं कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा,
मतलब जो भी जो वगैरह वगैरह ऑयल निकल रहा है, तो अगर आप वही ऑयल यूज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं आप कम ऑयल यूज करके अपने हेल्दी रख सकते हैं खुद को या फिर फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, तो दोस्त आप गलत फहमी में मत जिए, ऐसे नहीं होगा। अगर आप चीप ऑयल या फिर कुछ गलत सलत ऑयल यूज कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने और अपने फैमिली के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने डेली रूटीन में, अपने मील में ऑलिव ऑयल को ऐड करना होगा। और इसका यूसेज मैं बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान इसे 1 से 2 टेबल स्पून अपने मील में ऐड कर सकता है। अब आप चाहे उसे कुकिंग में यूज कर लीजिए, खाना बनाने में यूज कर लीजिए, या फिर जैसे सैलेड या फिर किसी भी चीज के ऊपर टॉपिंग में यूज कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। अच्छा, मैं आप लोगों को और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आजकल मार्केट में जैसे चीज आप लोग भी जानते हैं कि हर चीज की डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वैसे ऑलिव ऑयल भी बहुत ज्यादा डुप्लीकेट आ रहा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आलतू फालतू किराना दुकान या फिर जनरल स्टोर से इसे ना ले, एक जो अच्छा दुकान है बहुत अच्छा जहां सामान मिलता है वहीं से ले, या फिर आपके नियर बाय सप्लीमेंट शॉप में भी मिल सकता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं ऑलिव ऑयल। और प्लीज मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी लोकल कंपनीज का ऑलिव ऑयल मत यूज करिए, यहाँ पर अच्छे ब्रांड का ऑलिव ऑयल यूज करिए। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन सा ब्रांड यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ गाया का ऑलिव ऑयल यूज करता हूँ, और ये बहुत ज्यादा अच्छा ऑलिव ऑयल है। और मैं इसे अभी से नहीं, बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ, जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तब भी मैं इसे यूज करता था और अपने मील में ऐड करता था। तो ये बहुत अच्छा ऑलिव ऑयल है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप साइड में इसे अच्छे देख भी सकते हैं, ये गाया का ऑलिव ऑयल है। और सबसे पहली बात कि ये एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है और इसका रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, लेकिन एक गाया ऐसा कंपनी है जो कि बहुत एक ऐसे रेट में ऐसे प्राइस में अपना सामान निकालता है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आप भी गाया ऑलिव ऑयल आपको यूज करना चाहिए, बहुत बेस्ट ऑलिव ऑयल है ये। सो गाइज, आज के वीडियो पे बस इतना ही, हम आगे भी ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अगर आपके खुद की कोई पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इश्यू है, तो आप बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनल भी डीएम कर सकते हैं, मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।